व्यापारी की जमीन पर किया अवैध कब्जा। जनपद जौनपुर के काली कुत्ती कॉलोनी में व्यवसायी रामकृष्ण सोनी ने सन 2004 में एक जमीन का बैनामा लिया था, जिस पर उन्होंने एक कमरा और बाउंड्री वॉल बनवाया था। उस कमरे में काफी दिन तक उन्होंने किराएदार भी रखा, लेकिन कमरा काफी पुराना हो गया था तो उसको मरम्मत कराने की आवश्यकता थी। जब उन्होंने मरम्मत कराने की कोशिश की तब कुछ मनगढ़ भू माफियाओं ने आकर के निर्माण कार्य रुकवा दिया। पीड़ित ने इसके लिए कोतवाली में भी फरियाद की, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा पीड़ित की एक न सुनी गई। पीड़ित ने एक एक करके कई अधिकारियों के यहाँ शिकायती पत्र भेजा, लेकिन पीड़ित को कहीं से भी राहत न मिली। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की भू माफियाओं का आतंक अपने पैर पसार रहा है। अब आप जरा कल्पना करिए, एक तरफ जहां सरकारें ढिढोरा पीट रही हैं कि उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना रखा है, ऐसे में भू माफिया खुले आम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरों की जमीनों पर, दूसरों के मकानों पर फर्जी कब्जा कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहां तक थाने तक जाने के बाद पीड़ितों को परेशान किया जाता है। ऐसे में आखिर सरकार के किस बात का भरोसा जनता कर सकती है? यह मामला जिसको आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मकान व्यवसायी रामकृष्ण सोनी द्वारा सन 2004 में बाकायदा खरीदा गया था, जिसके जमीन के सारे कागजात मौजूद हैं, सारे ऐसे पेपर मौजूद हैं जिससे किसी भी जमीन को पाक साफ कहा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके जब वह व्यवसायी अपने उस मकान पर, अपने उस घर पर निर्माण कार्य कराता है, तब वहां आकर के कुछ दबंगों ने, कुछ मनबड़ों ने काम को रोक दिया। ऐसे में प्रशासन पर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। क्या आज भी भूमाफिया पोर्टल, क्या आज भी भूमाफिया के लिए बनाई गई टीम कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है, या इस पे सरकार पूरी तरह फेल है? आपको बताते चलें कि इस व्यवसायी के पास इस जमीन से संबंधित सारे कागजात होने के बावजूद नगर पालिका में भी बाकायदा सारे रजिस्ट्रेशन है, नगर पालिका में लगातार इसके टैक्स जमा होते आए हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, नगर पालिका का टैक्स, ये सब यही व्यवसायी देता रहा है। दूसरी बात ये भी जानने की है कि जो विरोधी पक्ष वहां कब्जा कर रहे हैं उनके नाम से आसपास की कोई भी जमीन नहीं है कि जिसके नाम पर वो वहां पर अवैध कब्जा करने के लिए तैयार हो। बस वो अपनी दबंगई के बल पे, गुंडागर्दी के बल पर उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। आइए आपको हम उस पीड़ित की ही जुबानी सुनाते हैं। आप अपना नाम बताइए। रामकृष्ण सोनी मेरा नाम है। आपका मामला क्या है? मामला यह है कि हम मछली शहर के निवासी हैं। एक जमीन हमने काली कुत्ती जौनपुर में लिया था जी 2004 में जी, जिसको उसमें हम एक कमरा बनवाए थे जी, और उसको किराया तो भी दिए थे 2-3 साल जी, लेकिन कच्चा थोड़ा होने के नाते जर्जर हाल में हो गया, वो बंद करके रख दिया जी जी, और आगे बाउंड्री वॉल भी बनवाए थे। नगर पालिका ने उसको नोटिस दे के मेरी बाउंड्री वॉल तोड़ दी जी, और मैं वही बाउंड्री वॉल बनवा रहा था तो सौरभ सिंह, बिक्की शुक्ला और उसके भाई लोग जिनको बनाने नहीं दे रहे, कर रहे हैं ये हमारी जमीन है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं जी, सारे पेपर मेरे नाम से जी, और ये लोग दबंगई के बल पे हमको वहाँ से भगाना चाहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा चौड़ा बनिया हो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको मार डालेंगे। मेरी जमीन है, मेरे नाम से असेसमेंट है, दूसरा खतौनी का नाम है, नगर पालिका में दर्ज है जी, बिजली का बिल है जी, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे एकदम कम्प्लीट हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी कुछ, तुम्हारा यहाँ कुछ है ये नहीं है जी। आपने कहाँ कहाँ अप्लीकेशन दी? अप्लीकेशन हमने DM के यहाँ दिया, SP के यहाँ दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया, 2-3 बार दिया। इसका पिता वकील है विजय बहादुर सिंह जी जी, जो कि ये जगह जगह जाके अपना दबदबा बना के सारे जो पेपर आते हैं, चौकी पाते हैं कोतवाली पे, ये लोग यहाँ जाके अपना दबाव बना के, और मेरा काम ही नहीं होने देते, ना मेरी सुनवाई होती है जी, वहाँ से हमको भगा दिया जाता है जी जी। बताइए हम क्या करें, हम गरीब आदमी, हम अपना मकान बनाना चाहते हैं वहाँ पर जी जी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी जी। मेरा एक बाउंड्री वॉल तोड़ के उसको बना रहा था, हम गए 112 नंबर पर फोन किए जी, वो लोग आए उसको बंद करवाए, लेकिन फिर हम चौकी पे गए तो चौकी वालों ने कहा
कि जाओ अपना कानून को उसे लेखपाल से उसको नापना भी कराओ। सर बताइए, मैं 26 एयर की जमीन में आज जो 18 एयर वकील साहब लिए हैं और 2 एयर हमारा है, 2 डिसमिल मेरी जमीन है, मैं अपने में काबिज हूँ और वकील साहब अपने में काबिज, फिर हम चले लेखपाल उससे क्या कराएं, हम तो मेरा खसरा खतौनी में नाम है और चौहद्दी में मेरी जमीन है, मैं लेखपाल और कानून को क्यों बुलाऊं, मैं तो अपना काबिज हूँ ना। जी 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 बताइए, ये सब दबंगई कर रहे हैं कि ये सुनार बनिया है, इसको मार पीट के भगाओ यहाँ से, हम हर अपने जमीन ये सब भू माफी है, किसी के आदमी है और सारे पीछे जो 174 नंबर में ये सब झूठी झूठा वो करवाए हैं, क्या नाम है, मुहदानामा करवाए हैं दूसरे दूसरे से और कह रहे हैं ये जमीन मेरी है। इसमें आपको प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा है? प्रशासन द्वारा एकदम उनको मदद नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आप लोगों को शरण में आए हैं। जी 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 आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? शासन से यही कार्रवाई चाहते हैं, हमारी ज़मीन है उसको वहाँ पे वो सब दबंगई न करें, हमको बनाने दें, मेरा ज़मीन है मैं उसमें रहूँगा। जी जी मेरा सब कुछ एकदम कम्प्लीट है, कहीं से हमारी कमी नहीं है, मेरे कागज़ में कोई कमी नहीं है, मेरी ज़मीन में कोई कमी नहीं है, जिसकी ज़मीन लिए थे वो मुसलम उसको बैठ गया है जी, उसके बाद उसको कोई हर भी नहीं, सब खत्म हो गए हैं जी। 2004 का बैनामा है, आज एक साल से करीब 1.5 साल से हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं, परेशान करते करते हम बहुत